होम्योपैथ के क्षेत्र में अपनी खास पहचान बना चुके डॉक्टर अमरेंद्र कुमार को पटना में भारतीय आयुष चिकित्सक महासंघ एवं इंडियन होम्योपैथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित समारोह में आयुष गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। राज्य आयुष समिति बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी IAS प्रशांत कुमार द्वारा डॉक्टर अमरेंद्र कुमार को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर CP ठाकुर सहित काफी संख्या में होम्योपैथ के डॉक्टर मौजूद थे। सम्मान पाकर डॉक्टर अमरेंद्र काफी हर्षित दिखे और कहा कि कई वर्षों से मैं इस क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूं। अब तक हजारों किडनी स्टोन का बिना ऑपरेशन इलाज कर चुका हूं। बीते वर्ष 1600 लोगों का इलाज किया और वो पूर्णतः ठीक हुए। इसी के मद्देनजर पटना में आयुष गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। निश्चित तौर पर मेहनत का फल जब मिलता है तो संतुष्टि होती है और दिल को खुशी महसूस होती है। साथ ही डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ने यह भी कहा कि होम्योपैथ चिकित्सा एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। वहीं जहानाबाद में भी इसका एक केंद्र खोलने के लिए कृत संकल्पित रहने की बात कही। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। राष्ट्रीय चिकित्सक महासंघ और इंडियन होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमें आयुष अवार्ड दिया गया है और काफ़ी अच्छी लगा। ये अवार्ड हमें काफ़ी होम्योपैथ के अच्छे काम के लेकर दिया गया है। काफ़ी लोग सम्मानित हुए हैं और सबका अपना अपना एक एजेंडा है कि किस तहत हुए हैं। हमें जहानाबाद में किडनी की पथरी जो होम्योपैथिक दवा से निकालने का जो एक साल का जो रिकॉर्ड रहा है, जिसमें हम एक साल में करीब 1600 पेशेंट का रिकॉर्ड दिए हैं, जिसमें हम पेशेंट को पथरी को निकाले हैं होम्योपैथिक दवा से बिना ऑपरेशन का। उस तहत आयुष मंत्रालय के द्वारा वहाँ के पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार के द्वारा हमें सम्मानित किया गया है, जिसका उद्घाटनकर्ता पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर CP ठाकुर हैं। होम्योपैथिक जन जन तक पहुँचे और होम्योपैथिक काफ़ी सस्ती चिकित्सा पद्धति है और इसमें कठिन से कठिन बीमारियों का इलाज जो है जो पूरी तरह से किया जा सकता है, अस्थायी रूप से किया जा सकता है। संपूर्ण एवं कंप्लीट जो भी चिकित्सा है जिसे क्योर किया जा सकता है वो होम्योपैथी, तो उसके लिए जहानाबाद में भी एक जल्द हम लोग मांग रखे हैं और उस मंत्रालय के पास कि एक फ्री OPD मिले जिसमें सभी पेशेंट आएँ और फ्री में इलाज करवाएँ, उनको मेडिसिन भी दी जाएगी और वो हमेशा चलते रहे। क्या होम्योपैथ में इमरजेंसी इलाज भी पॉसिबल है? हाँ, होम्योपैथ में एक्यूट डिजीज का भी इलाज संभव है। जैसे किसी को डायरिया है तो उसको या बुखार है उसको भी हम लोग ठीक कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए होम्योपैथिक और ज़्यादा बेहतर है। मान लिया किसी का सर फट गया, किसी का ब्लडिंग हो गया, हाँ तो वो तो इन सब होम्योपैथ का जो डिग्री है BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, उसमें सर्जरी जुड़ा हुआ है। जो एक लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथ हम लोग को पढ़ना है, उसके तहत जो भी बीमारियों का इलाज करना है इमरजेंसी में उसको हम लोग कर सकते हैं। जो लोगों को भ्रम है कि बहुत विलम्ब से काम करता है होम्योपैथिक, हाँ ये भ्रम है, दूर होनी चाहिए। क्योंकि होम्योपैथ में जो पेशेंट हैं जो अन्य चिकित्सा पद्धति में ट्रीटमेंट करवाने के पास बाद बीमारी काफ़ी जटिल हो जाती है, उसके बाद आते हैं तो बीमारी है जो काफ़ी जटिल हो जाती है, तो उसमें हम लोग को थोड़ा समय लगता है। अगर वो पहले आ जाएँ, समय से आ जाएँ, तो उसको हम जल्द दूर कर लें। इतने दिनों से आप सेवा दे रहे हैं होम्योपैथिक को, आपने रिसर्च किया, उसके बाद आप इलाज करते हैं, पथरी का इलाज करते हैं जो काफ़ी महंगा इलाज है और बहुत ही सस्ते में आप करते हैं, और आपको इसके लिए सम्मानित किया गया, तो क्या आपको लगा कि आपकी मेहनत जो है सफल हुई है या सफल होगी? इसके लिए हम काफ़ी समय से जो इलाज कर रहे थे, पथरी का इलाज हम करीब यहाँ पे जहानाबाद में मेरा जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक जो केदार मार्केट में है हॉस्पिटल मोड़ पे, उसमें हम करीब 16 साल मेरा हो गया है और काफ़ी समय से इलाज कर रहे हैं। और इस चीज़ के लिए आयुष मंत्रालय से हमें मिला कि आप इसके बारे में अपना बताएं कि कैसे अपना कर रहे हैं, उसी के लिए हमें आयुष गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। लोगों को क्या कहना चाहेंगे होम्योपैथी के बारे में? होम्योपैथ के बारे में ही कहना चाहेंगे कि अन्य चिकित्सा पद्धति में जाने के बाद है आप होम्योपैथ में आते हैं ट्राई के लिए, जब वो उस चिकित्सा पद्धति से आपको फ़ायदा नहीं मिलता है तो कहते हैं कि होम्योपैथ में भी ट्राई कर लिया जाए, तो वो काफ़ी गंभीर बीमारी हो जाती है। आप शुरू में ही होम्योपैथ में आए और ट्रीटमेंट करवाएं।